Good morning, students. Today we will continue our lesson number 11. That is landforms. That is landforms. Okay. In landforms, we have learned about plateau, mountain, plains. Okay. And we have also done in last lecture what is gulf, what is bay. What is gulf? That means ki, what does gulf mean with example? What does bay with example? We have done all this thing. And we have also done cap. I told you cap in last example. In India, the best example of cap is Kanyakumari. And in Africa, cap of Good Hope is an example of cap. Okay, so today we will do new topic, that is island. What does island mean? Island means piece of land that is surrounded by water from all four sides. फिर हम एग्जांपल देखेंगे।
उसमें एग्जांपल्स हैं। पहला है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। फिर है आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है वो एक आइलैंड है। फिर आइलैंड शंखोद्वार जो बेट द्वारका के यहाँ पे, जो बेट द्वारका के यहाँ पे है। फिर है पीरामबेट, पीरामबेट ये भी एक एग्जांपल है आइलैंड का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीराम शियालबेट, पीराम शियालबेट क्या आपका। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैली, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैली। वैली क्या होता है, सुना है आपने वैली वर्ड, आई नो सुना होगा, मोस्टली होना ही चाहिए। वैली बहुत कॉमन है। लो लाइंग रीजन अमॉन्ग द माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज के साथ जो लो लाइन नीचा जो रीजन होता है वो वैली। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ
रिवर और ग्लेशियर। जब फ्लो माउंटेन और ब्लॉक सॉरी फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, याद है आपको फोल्ड माउंटेन किससे मैंने बताया था और ब्लॉक माउंटेन सेम होता है, ये बीच वाला पार्ट खिसक जाता है। ब्लॉक माउंटेन है ऐसे ही होता है। ब्लॉक माउंटेन तीन होते हैं, बीच का ऊपर साइड के नीचे प्रेशर की वजह से ऐसा। फोल्ड माउंटेन में प्लेन चीज जो है हम ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो उसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। उसके लिए आप एक कर सकते हो कि आप एक पेज ले लो और उसको दोनों साइड से ऐसे करो, पुश करो, तो जो ऐसे फोल्डिंग होगा ना सेम वही जो है टेक्निक से फोल्ड माउंटेन में फॉर्म होता है। क्लियर। ब्लॉक माउंटेन में ब्लॉक्स होते हैं वो नीचे हो जाते हैं, तो उस टाइम जो इरोजन होता है रिवर या ग्लेशियर की वजह से, उस टाइम जो इरोजन होता है ग्लेशियर के वजह से या तो रिवर के फ्लो के वजह से, तो उससे वैली फॉर्म होती है, उससे वैली फॉर्म होती है, वैली आर क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीर वैली। ठीक है, कश्मीर वैली इसको नाम दिया गया है। कश्मीर वैली एक एग्जांपल है जिसका फॉर्मेशन जो मैंने प्रोसेस अभी बताया उस तरीके से होता है। ठीक है, जो ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन का जब फॉर्मेशन होने वाला होता है, फॉर्म होते हैं, उस टाइम जो इरोशन होता है ड्यू टू रिवर और ग्लेशियर, उस टाइम जो इरोशन होता है ड्यू टू रिवर और ग्लेशियर इज कॉल्ड वैली। अदरवाइज यू कैन से एज अ रिजल्ट वैली आर क्रिएटेड, एंड द एग्जांपल ऑफ वैली इज कश्मीर वैली। एग्जांपल इज कश्मीर वैली, उसको कश्मीर वैली बोलते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे वैली में आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट आपने नाम सुना होगा, और क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्ट्रीट, क्या होता है उसका नाम। तो नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर एरिया, नैरो पीस ऑफ स्ट्रेट की डेफिनेशन है नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर। नैरो पीस ऑफ सी, सी का एक नैरो वाइड और नैरो है ना, नैरो पीस ऑफ सी, सी का नैरो पीस, थोड़ी जो नैरो पीस नैरो सॉरी नैरो
पीस मतलब टुकड़ा सी का, सी समुद्र, दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर एरियाज और टू लार्जर वाटर बॉडीज और एरियाज एरियाज करते हैं क्योंकि हमको वो दिया है तो कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। दो लार्जर वाटर एरिया को जो है एक नैरो सी का वो ज्वाइन करता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, समझ में आया, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू व्हाट इज स्ट्रेट? तो अ नैरो पीस ऑफ सी, सी का नैरो पार्ट दैट जॉइंस टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। और पल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पल्क स्ट्रेट करते हैं, ये एग्जांपल है स्ट्रेट का। यहाँ पे स्ट्रेट में इतना ही एग्जांपल दिया है तो आपको सिर्फ वही याद रखना है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको आपको लिखना भी आपकी बुक में वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू फॉर वर्कशीट, पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फर्दर स्टडीज। आगे आपको स्ट्रेट के बारे में बहुत समझ आएगा, आपको एटलीस्ट स्ट्रेट क्या होता है वो पता होना चाहिए सो दैट आपको क्लियर हो आगे। बेसिकली हमारा नहीं हो अच्छे से क्लियर तो आगे हमें नहीं आएगा, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, तो इसलिए हमें स्ट्रेट क्या होता है पता होना चाहिए। स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और वो स्ट्रेट का नाम है पल्क स्ट्रेट, उसका नाम है पल्क स्ट्रेट। क्लियर? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वो है इस्थमस। इस्थमस है पर उसके पहले जितना बोर्ड पे लिखा है सब कुछ आप आपकी बुक में प्लीज नोट डाउन कर लो अच्छे से। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज स्ट्रेट, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैंने जैसे लिखा है उसका डेफिनेशन उसके एग्जांपल्स आपको भी सेम इतना लिखना है। व्हाट इज स्ट्रेट क्वेश्चन हो उसमें व्हाट इज आई एम तो उसमें डेफिनेशन विद दिस एग्जांपल यू हैव टू राइट, इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू, गॉट इट? Otherwise, I won't give you full marks for that question. You have to write this for 1 mark, this whole thing. Got it? So, just please note down all this thing in your notebook. Then we will move towards next topic, that is isthmus.
narrow piece of land which separates two water areas. A मतलब क्या है? तो नैरो पीस ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स टू वाटर एरियाज कॉल्ड
Peninsula. Please note down this. Otherwise, just first of all, you just listen me and then note down it afterwards. Whenever I am explaining you, just don't write. Just see here, listen it carefully and then write it afterwards when I give you time for it. A piece of land that surrounds from three sides. A piece of land which is surrounded by called peninsula. A piece of land that surrounds from three sides by sea and connected with land on one side is called peninsula. A piece of land, एक land का piece है जो तीन, हमें पता है piece of land चार sides तो होते हैं, one, two, three and this one is four. तो ये तीन साइड्स जो है वो सी से सराउंडेड होती है. यहाँ पे सी आ जाती है, समुद्र का पानी होता है, और एक साइड जो है लैंड से कनेक्टेड होता है, लैंड दैट इज जमीन. तीन साइड सी, एक साइड लैंड, और इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? पेनिनसुलर. ओके, एग्जांपल देख ले तो पेनिनसुलर एग्जांपल है साउथ इंडिया और सौराष्ट्र. Please note down this, important for you kids. Okay, so just note down this in your book.